अस्सलाम वालेकुम इस सेशन में हम देखेंगे कि क्रिएटिव लोगों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं उनमें क्या ट्रेट्स हैं और आप इनको अपने आप के साथ मैच करके देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं कि अगर आप में भी इनमें से कोई सी क्वालिटीज़ हैं और अगर नहीं है तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं या उनको बढ़ाने के बारे में कोशिश कर सकते हैं तो ये देखते हैं कि ये कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को क्रिएटिव होने में मदद देती हैं एक तो यह है कि अवेयरनेस ऑफ क्रिएटिविटी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक आ, हो सकता है किसी शख्स को लगे कि ये एक आम सी तस्वीर है एक जहाज़ है एयरपोर्ट पर खड़ा है छोटा सा जहाज़ है ये सखर एयरपोर्ट की तस्वीर है और लेकिन हो सकता है कोई क्रिएटिव शख्स सोच इसको देखे और सोचे कि इसमें से कोई कहानी बन सकती है इसके पीछे तो सूरज गरूब होता हुआ नज़र आ रहा है ये तो बड़ा अच्छा फोटो लेने का मोमेंट हो सकता है इसके अंदर कौन लोग होंगे उनकी क्या कहानियाँ होंगी क्या कोई किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं या लोग यहाँ पर किसी को छोड़ के और बिछड़ने के लिए जा रहे हैं इसका क्या एंड हो सकता है इसका बिगेिंग क्या होगी जो क्रिएटिव इंसान है वो अवेयर होता है कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है क्रिएटिव सोच करने के लिए सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी उसके अलावा औरिजनैलिटी अगर आप लिखें ये चाहे आप किसी फिल्म की कहानी लिख रहे हैं ड्रामे की कहानी कोई ऐड का जिंगल कोई ब्लॉग कोई न्यूज़ तो उसमें यह है कि आपका एंगल कितना ओरिजिनल है या आप कितना एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं फॉर्मूला ये होता है कि उसमें आ, कुछ थोड़ा सा उसमें लव इंटरेस्ट हो कुछ उसमें थोड़ा सा आप पेट्रियाटिक एंगल डाल दें और उससे लोगों को इंटरेस्ट कर लें और लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व कर लें दैट दैट कैन बी वन फार्मूला बहुत से फार्मूला हो सकते हैं ठीक है एक फार्मूला होता है अगर आप किसी आ, उसके बारे में लिखें क्योंकि ये जो हम आपको मिसाल दे रहे हैं किताब की ये है रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट और ये एक शख्स के बारे में है जो कि अमेरिका में रह रहा है अब पाकिस्तानी और फिर वहां पे नाइन इलेवन के बाद के हालात जो हुए उससे उसके ऊपर क्या असर पड़ा Although I was raised to feel very Pakistani, I left to go west, where I was welcomed with open arms. Your expression was amazing. What exactly do you do at the Underwood? We help companies to increase their value. तो इस तरह ही थीम्स के ऊपर हो सकते हैं आप बिल्कुल एक टिपिकल सा शॉट लें लेकिन इस कहानी में अगर आप इस नॉवल को पढ़ें और देखें तो इसमें उन्होंने बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग और बिल्कुल नया अप्रोच के साथ उसको पेश किया

इट्स अ स्लिम बुक पतली सी किताब है और उसको आप पढ़ के देखेंगे तो आप देखेंगे उसने कितना एक इंटरेस्टिंग uh, और नए तरीके से उसको बताया है। और इसी इसी तरह से आप अपना यू मेक योर मार्क अपने आप को मनवा सकते हैं जब आप ओरिजिनल कोई चीज़ करेंगे दैट इज़ वॉट क्रिएटिव पीपल डू उसके अलावा वो क्योंकि वो ओरिजिनल होते हैं ओरिजिनल होने में थोड़े से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं तो वो उससे घबराते नहीं हैं और वो अपनी सोच खुद सोचते हैं ना कि वो ये देखें कि अच्छा ये तो अभी तक किसी ने ऐसी कहानी नहीं बनाई या ऐसा तो ब्लॉग किसी ने कभी नहीं लिखा ये मैं कैसे कर लूँ तो इसीलिए ये दि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे कोई जिद्दत आप लेके आते हैं और आप इंटरेस्ट लोगों का क्रिएट कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट्स की अगर आप कैंपेंस देखें तो एक वॉशिंग पाउडर जैसे सर्फ वालों ने ये निकाला कि दाग तो अच्छे होते हैं ये बिल्कुल जो वो एक्चुअली उनका प्रोडक्ट जो है वो दाग धोने के लिए लेकिन उन्होंने एक उसका बिल्कुल नया एंगल निकाला कि दाग अच्छे होते हैं और उससे उनकी कैंपेन बहुत सक्सेसफुल है, एक का है तू, तू तू, अपनों को करीब लाने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं सो फिक्स दाग तो अच्छे हैं सो दैट्स अ वेरी इनोवेटिव ट्रेक ऑन द थिंग एंड इट्स अबिट रिस्की हो सकता है लोग सोचें कि ये कैसे वॉशिंग पाउडर बनाने वाले हैं जो चीज़ें साफ करने के बजाय गंदा करने की बात करें बट then इट डिड वर्क ये जो आप आ, कहानी की नावल का आप देख रहे हैं द हाउस ऑफ क्ले एंड वाटर फाइक मनसब की किताब है इसमें उन्होंने एक लव इंटरेस्ट जो है जो कपल जिसके बीच में उन्होंने मोहब्बत दिखाई है उसमें एक दर इज़ जिसको हम हिजरा कहेंगे और एक खातून है और इट्स ब्यूटिफुली रिटर्न इट्स वेरी रियल इट्स सम हाउ लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल नई चीज़ की है और जो कि हो सकता है अगर उन्हें कोई आ, कहता कि ये क्या कर रही है ऐसे कैसे कोई रिलेट करेगा लेकिन इट वर्कड और उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड रिस्क टेकिंग वॉज सक्सेसफुल उसके अलावा क्रिएटिव लोग जो हैं आपको बेशक लगे कि वो उनके बाल बिखरे या जो भी कुछ है लेकिन उनमें एनर्जी बहुत सी होती है हो सकते है, वो एनर्जी सिर्फ उनके काम के ऊपर फोकसड हो और अपने डेस्क को साफ़ करने या अलमारी को साफ करने के ऊपर फोकस ना हो बट क्रिएटिव पीपल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इस्माइल गुलजी हम सबके फेवरेट आर्टिस्ट थे उन खताती भी की पोर्ट्रेट्स भी बनाए बहुत सारे और उनका कहना है कि दिस वर्क इट्स सेल्फ गिवस एनर्जी एंड यू नीड इश्क फॉर दिस सो देस अ सर्टन लेवल ऑफ कमिटमेंट और इश्क का यही मतलब है कि आपको किसी चीज़ की परवाह ना हो आपको अपने उस क्रिएशन जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो सो दैट इज़ वॉट इट टेक्स टू बी अ क्रिएटिव पर्सन एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक आप में क्या ये है या आप सिर्फ आ, किसी सुपरफिशियल से रीजन के लिए उसको करने लगे क्योंकि अगर आप उसको इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप उसको पैसे कमाने के लिए भी कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ में सच और जो खूबसूरती वो उस वक्त आएगा जब आप उसको आ, इश्क के साथ या कमिटमेंट के साथ या फॉर द शेयर जॉय ऑफ इट करेंगे एनर्जी के साथ ये नहीं कि यू ड्रैगिंग योर फीट के करना पड़ रहा है एट्सट्रा क्यूरियासिटी जैसे बच्चे में क्यूरियासिटी होती है इसी तरह क्रिएटिव इंसान को अपनी क्यूरियासिटी को जिंदा रखना पड़ता है स्टीफन किंग एक बहुत मशहूर ऑथर हैं ये हॉरर नावल्स के ऑथर हैं और इनका ये कहना है कि क्यूरियासिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिचुएशन कैन यूजली बी एक्सप्लेन एज वाट इफ क्वेश्चन कोई भी सिचुएशन हो आप उसके बारे में ये पूछ सकते हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता अगर ऐसा ना होता तो क्या होता और यही जो वो क्यूरियोसिटी और यही क्वेश्चनिंग जो है वो आपको एज अ ऑथर भी हेल्प करेगी कि आप किसी भी सिचुएशन के आगे क्या होगा उसके आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स या डिफरेंट ऑप्शनस को कंसिडर uh, कर सकते हैं फिर सेंस ऑफ ह्यूमर जब आप एज़ अ राइटर आप अपने लिए फ़ोटोग्राफ्स का कलेक्शन बना रहे हैं या आप कुछ लिख रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं कीप एन आई फॉर फनी थिंग्स ये मेरी ख़ुद की तस्वीर है और ये पंच का जो हेडवर्कस है वहाँ की तस्वीर है हम लोगों को मालूम नहीं था हम गलती से ममनुआला में चले गए और ये हमारे कुछ दोस्तों ने यह तस्वीर ली थी एंड दे थॉट इट वॉज़ वेरी फनी कि हम खुशी खुशी ममनुआला पर जा रही हैं इसी तरह इसके अलावा बहुत सी तस्वीरें होती हैं जो कि ट्रक्स के पीछे जो अशार होते हैं उसकी लोगों ने लिखी होती हैं या कोई फ़नी दुकान का साइन बोर्ड है ये वो चीज़ें हैं जो लोगों में पॉपुलर होती हैं अगर आप अपनी लिखने में ब्लॉग में या किसी चीज़ में इनको यूज़ करेंगे तो पीपल फाइंड दम फनी लोग शेयर भी करते हैं हंसते भी हैं उसके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा ओरिजिनल ना हूं. हो हो सकता है वो सारे हो चुके हों पहले से इसके ट्रक्स के जो अशार हैं वो हो चुके हों लेकिन ये कि दीज आर थिंग्स देर आर स्टिल पॉपुलर एंड पीपल लाइक दैम कैपेसिटी फॉर फैंटेसी मोहम्मद हनीफ की किताबें है आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ नर्स अ क्रिश्चियन नर्स और ये एक तरफ से बिल्कुल एक ऑर्डनरी सी लड़की की कहानी है लेकिन उसमें जब वो एंड है उसका हो सकता है आप पढ़ें सो आई डोंट वांट टू रू इट फॉर यू तो उसका जो एंड है उसमें ये है कि वो एक बिल्कुल फैंटास्टिक सा उसका एंड उन्होंने बताया और उसको एक सेंट का स्टेटस एक किस्म का दिया है सो दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग और क्योंकि कहानी का बिल्डअप ऐसे है कि वो बिलीवेबल भी है तो फैंटसी तो है लेकिन वो एक बिलीवेबल किस्म की फैंटसी है परसेप्टिव और सेंसिटिव होना राइटर के लिए ज़रूरी है एन फ्रैंक की जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये एक असल बच्ची की कहानी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डच बच्ची थी वो अपनी डायरी लिखती थी उसकी डायरी बाद में जब लोगों को मिली तो उसमें तो उन्होंने देखा उसको पढ़ के और वो पब्लिश की गई और ये बहुत पॉपुलर किताब है और उसने अपनी लिमिटेड सी जब वो घर में स्टक थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस ज़माने की उसकी डायरी है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सेंसिटिव उसने ये लिखाई की हुई है और अगेन ये छोटी सी किताब है आप पढ़ें तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा इसके अलावा जो क्रिएटिव uh, लोग होते हैं वो दे आर एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन ओल्ड आइडियाज़ न्यू आइडियाज़ वो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं वो हवास बाख्ता या भुलकड़ किसी चीज़ में हो सकता है होते हूँ लेकिन वो अपने काम में बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं उनको अलोन टाइम भी चाहिए होता है आप मुसनफ़ या आर्टिस्ट कुछ भी बनेंगे दीज आर ऑल सोलो एक्टिविटीज़ अगर हर वक्त आपको सोशलाइज़ करना है या आपकी नीड है सोशलाइज़ करने की तो वो नहीं हो सकता इन, इन लोगों को क्रिएटिव लोगों को कोई वक्त जो है वो अकेले में चाहिए होते हैं इसी में इनको खुशी मिलती है और उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद होती हैं उनको स्ट्रेट लाइन पसंद नहीं होती उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक किस तरह सारे थॉट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किस तरह ख़्यालत जुड़े हैं किस तरह इवेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें उनको इंटरेस्ट करती हैं इसके अलावा वो ओपन माइंडेड भी होते हैं और वो चीज़ों को डिफरेंटली देख सकते हैं ब्लैक ब्यूटी की फिल्म भी बनी थी टीवी पे भी आती थी ये सीरीज़ और इसकी ये किताब भी है कई स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है एन एस यू एल जो इसकी राइटर थी वो बचपन में गिर गई थी एंड उनकी शी हर्ट हर एंकल्स एंड शी वॉज़ नॉट एबल टू वॉक और उस अपनी इमोबाइल स्टेट से उन्होंने एक घोड़े की ज़िंदगी के बारे में सोचा घोड़े के मसले घोड़े की एडवेंचर्स के बारे में सोच के ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पाँच साल में ये किताब लिखी थी Title. as you wish my lady Reuben, shorten the bearing rain right on the map. a bearing rain is well oh. named for it is unbearable it makes no sense and nonsense can drive a horse mad <coughs> you incompetent fool oh, there. <coughs> <coughs> अगर कोई सोचता है कि मैं मेरी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा मैं क्या लिखूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वही आप लिखें आप इमेजिन कर सकते हैं आप अपनी आपकी ड्रीम्स हो हो सकता है उनका दिल करता हो कि वो भी एक घोड़े की तरह भाग सकती हैं क्योंकि वो चल नहीं पाती थी तो उन्होंने ये इतनी ख़ूबसूरत कहानी लिखी और ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से इनका शुमार होता है आर्टिस्टिक होना भी ज़रूरी है जो क्योंकि किसी ना किसी किस्म की आपको ब्यूटी क्रिएट करनी है तो क्रिएटिव लोग आर्टिस्टिक भी होते हैं ये लाड़काना से आगे गांव की तस्वीर है जो आप ये देख सकते हैं और पानी में एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है सिंपल सा सीन है लेकिन उसमें एक अपनी ब्यूटी है सो दैट हैज़ बिन कैप्चर्ड उसके अलावा कुछ भी क्रिएट करने का रास्ता आसानी का रास्ता नहीं है दे हैव टू बी क्रिएटिव पीपल हैव टू बी स्टिम्यूलेटेड बाई चैलेंजेस कुछ भी आप जब नया करेंगे लोग कहेंगे इसका क्या फ़ायदा ये तुम इसके बजाय ये कर लेते वगैरह लेकिन ये कि वो इसी तरह से और इसको वेलकम जो चैलेंज को लोग करते हैं वही जो है वो क्रिएटिव काम कोई कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड रास्ता नहीं है जैसे आपको एग्जांपल्स भी किताबों की दी किसी ने घोड़े की कहानी लिख के कामयाबी हासिल की किसी ने एक अजीब लव अफेयर के जरिए कामयाबी हासिल की तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है एक जो सब फॉलो कर लें हर किसी को अपने चैलेंज और अपनी जो रियलिटी और अपनी जो थाट्स हैं उसको फेस करके कोई नई चीज़ क्रिएट करनी होती है और उसी में क्रिएटिव लोग खुश रहते हैं दे इन्जॉय इट ये नहीं कि उनको मजबूरन से करना पड़ता है बट दिस इज़ वॉट दे इन्जॉय थैंक यू